Hey guys, what's up? I'm Kinetis and welcome back to my channel. So guys, कैसे हैं सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. तो guys, आज की जो हमारी वीडियो है जो कुछ इस टाइप की होने वाली है. तो guys, इस फोटो एडिटिंग में आप सभी को करना है कुछ बैकग्राउंड पीएनजी की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सिंपली आप जाके वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना. एंड गाइस, आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना. एंड गाइस, अभी तक जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दो एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे. तो गाइस, नीचे रेड कलर का बटन दबा देना, सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस, क्योंकि फोटो एडिटिंग हमारी मस्त होने वाली है. एंड गाइस, बाकी आपके ऊपर है. तो गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो गाइस, जाओ मुझे फॉलो करो. एंड गाइस, कभी कभार मैं लाइव भी आ जाता हूं, तो बातें कर लेंगे चेची, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फॉलो भी कर लेना. तो गाइस, चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है. गाइस, पहले वीडियो को पूरी देख लेना, उसके बाद जाकर डाउनलोड करना, ठीक है? तो इसको डाउनलोड करने के बाद गाइस, आप सभी करने का सिंपली जाना आप सभी को ड्रॉ टूल के अंदर, ठीक है? ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को करना क्या है, इसमें गाइस एक लेयर फिक्स रहती है हमारी बनी. तो गाइस, हम चलते पहले ऐड फोटो में, ठीक है? ऐड फोटो में जाके गाइस, पहले हम अपने मॉडल को ले आते हैं, ठीक है? एंड गाइस, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड है ना, जो गाइस बिल्कुल इरेज कर रखा है पहले से ही, ताकि गाइस आपका टाइम वेस्ट ना हो. एंड गाइस, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके आप देखना एंड बैकग्राउंड को इरेज कर लेना. तो गाइस, हम जाएंगे लेयर में, एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे एंड जाएंगे ऐड फोटो में, ठीक है? ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, हमें ये वाला एक पीएनजी लेना है, ठीक है? एंड इसको सिंपली हमें क्या करना है गाइस, इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक है? इस तरीके से इसको हम गाइस, हमें अपने फुल स्क्रीन करके एंड गाइस को आपको नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से फिक्स कर लेना है. एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को करना क्या है, इसके बाद आपको जाना इस ब्लेंड में, ठीक है? एंड इसको कर देना स्क्रीन, ठीक है? एंड कर देना सिंपली टैब. एंड गाइस, सिंपली आप सभी को कर लेना ऐसे डन, ठीक है? एंड यहाँ पे हम करें और बाकी पीएनजी लगाएंगे. तो गाइस, चलते हैं हम ऐड फोटोज में, ठीक है? ऐड फोटोज में जाने के बाद गाइस, आप सभी को एक पीएनजी और लेना, ये वाला, ठीक है? एंड सिंपली इसका पहले जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है गाइस, इसको हम गैप कर लेते हैं, ब्लेंड पे जाके हम इसको कर लेंगे स्क्रीन, ठीक है? एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को करना क्या है, इसको सिंपली गाइस, सभी को इसको आपको नीचे की तरफ लाना है, ठीक है? एंड गाइस, आप सबको अगर नीचे अच्छा लगे तो आप नीचे लगा सकते हो. एंड गाइस, मैं आप सभी को रिकमेंडेड करूंगा कि गाइस, आप भी इसको ऊपर की तरफ ही लगाओ, ठीक है? सो इसको ऊपर की तरफ लगा लेते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद जाना गाइस, आप सभी को इरेजर टूल में, ठीक है? साइड में आपको इरेजर टूल दिख रहा होगा. एंड गाइस, इसको कर देना अंडो, ठीक है? एंड उसके बाद आपको ये ब्रश वाला आइकन सेलेक्ट करना है एंड सिंपली आप सभी को ऐसे इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है? साइड साइड में, ठीक है? ऐसे ऐसे पेंट कर लेना है, ठीक है? सिंपली इस तरीके से गाइस, आपको पूरे में पेंट कर लेना है, जहाँ जहाँ आपको चाहिए गाइस, वहीं वहीं पेंट करना, ठीक है? सो इसको मैंने पेंट कर लिया. एंड गाइस, कर लेना डन, ठीक है? इसको सिंपली आप सभी को डन कर लेना है. एंड गाइस, उसके बाद दोबारा से जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ठीक है? एंड आप सभी को इस कार के पीएनजी को लेना, ठीक है? एंड गाइस, इसको हम इसका भी ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन करेंगे, ताकि गाइस इसका ब्लैक ब्लैक जो गैप हो जाए. एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को इसकी स्क्रीन को छोटा करना है, ठीक है? एंड उसके बाद बिल्कुल आपको इसको अपनी वॉच की तरफ इस तरीके से लगाना है, ताकि गाइस जो लगे कि आपकी वॉच में से कार निकल रही है, ठीक है? सो इसको लगा लेना है, ठीक है? एंड जो साइड साइड में आपको लाइन दिख रही होगी, इसको गाइस इरेजर टूल में जाना है. एंड गाइस, इसकी हार्डनेस को कम करना है, साइज को बढ़ा लेना है. एंड गाइस, सिंपली आप सभी को इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है? सो हमने इसको यहाँ तक भी कर लिया है, ठीक है? एंड करेंगे सिंपली हम डन, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को करना क्या है, एड फोटोज में जाना है. एंड गाइस, आप सभी को ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है? एंड इसके बाद जाना ब्लेंड में एंड इसको भी कर देना स्क्रीन, ठीक है? एंड सिंपली आप सभी को इसको अपने हैंड के पास लगा लेना है, ठीक है? यहाँ पे, या अगर आपको गाइस आप हैंड पे लगाना चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो. बट गाइस, मैं आप सभी को रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसको आप अपने कंधे के पास लगाएं, शोल्डर्स के पास, ठीक है गाइस? इस तरीके से. एंड गाइस, साइज को आप इसको थोड़ा साइज अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है? एंड उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है? एंड उसके बाद कर लेना आप सभी को सिंपली डन, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना है ऐड फोटोज में, ठीक है? ऐड फोटोज में जाने के बाद गाइस, आप सभी को एक लाइट का पीएनजी मिलेगा गाइस, ठीक है? तो आप मैं पहले इसको इस पीएनजी को ले लेता हूं, ठीक है? सो गाइस, वो मैं लाइट का पीएनजी मिल गया. तो गाइस, आप सभी को करना क्या है, सिंपली ऐड कर लेना, ठीक है? एंड इसको ब्लेंडिंग मोड हमें गाइस हमेशा की तरह स्क्रीन रखना है, ठीक है? स्क्रीन कर लेते हैं. एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को जूम करके इस तरीके से आपको आपको अपने इस तरीके से इस यहाँ पे लगाना है, ठीक है? एंड गाइस, आप उसके बाद अपना मतलब वैसे आप गाइस साइज देख लेना गाइस, ज्यादा छोटा बड़ा मत रखना, ठीक है? सो साइज आप अपने हिसाब से रखना. एंड गाइस, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे पहले गाइस, ठीक है? एंड उसके बाद हम इसको साइड में सेकंड मतलब अपने बगल में दूसरे बगल में लगाएंगे, ठीक है? सो गाइस, कुछ वहाँ पे सही नहीं लग रहा, तो गाइस हम इसको क्या करेंगे गाइस, इसके साइज इसको हम गाइस साइड में लगाएंगे, ठीक है? साइड में मतलब जैसे गाइस यहाँ पे हेयर के पास, ठीक है? हेयर के पास लगा लेंगे इस तरीके से. एंड गाइस, आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी कम भी रख सकते हो, ठीक है गाइस? एंड पहले हम इसको डुप्लीकेट करके एंड गाइस इसको अपने दूसरे यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है गाइस? यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है? एंड सिंपली आपको अगर गाइस इसका ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो आप इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है? सो मैंने कम कर लिया है, तो गाइस मैं भी कर लेता हूँ वैसे गाइस, ठीक है? एंड कर लेता डन, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस, जो हमारी अब रह गई कलर करेक्शन, जो कि कहते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर हमेशा की तरह. तो गाइस, इस फोटो को हम करेंगे सेव. एंड गाइस, पहले हम देख लेते हैं कोई हमारा पीएनजी छूट तो नहीं गया.
ठीक है। सो हमारा APNG नहीं, ये तो गाइस लगा लिया हमने, ठीक है। सो लग गया हमारा गाइस, ठीक है। एंड हम चलते बैक, अपने फेस में देंगे डोज एंड बन, ठीक है गाइस, जो कि हम जाएंगे टूल्स में एंड जाएंगे एडजस्ट में, एंड गाइस इसकी ब्राइटनेस को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड जाएंगे रेजर टूल में, ठीक है। रेजर टूल में जाएंगे एंड इसको कर देंगे इनकरेक्ट, एंड गाइस लेंगे ब्रश, एंड गाइस इसके बाद हम अपने एक यहाँ पे लगाएंगे गाइस, ठीक है, गाल के पास, ठीक है गाइस, एंड इधर नीचे की तरफ, ठीक है, एंड ये लिप्स के नीचे चिन पे अपने, ठीक है, एंड हम गर्दन पे भी लगा लेंगे, ठीक है, एंड नोज पे भी लगा ही लेते हैं, ठीक है। सो हमने लगा लिया, एंड गाइस करते हैं ऐसे डन, एंड गाइस के बाद गाइस हम ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस हमने इतना हम इसको रखेंगे गाइस 8 तक रखेंगे एंड करेंगे डन, ठीक है। सो अब रह गई हमारी कलर करेक्शन, जो कि हम करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस फोटो कर लेते हैं सेव, एंड गाइस अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा था यार, एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दो यार तुम्हारे भाई के लिए यार, ठीक है। तो यार फोटो को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस हमने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं ऐड फोटो में, ठीक है, एंड ऐड फोटो में जाके गाइस हम अपने फोटो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद जाएंगे ऑल फोटोज में, एंड गाइस अपनी फोटो को ओपन करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जाएंगे गाइस आपको लाइट वाला ऑप्शन देख रहा होगा, लाइट्स में जाएंगे, हाईलाइट्स को हम बढ़ाएंगे, शेडोज को भी बढ़ाएंगे, ठीक है, शेडोज को बढ़ाएंगे एंड वाइट को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, वाइट को थोड़ा सा मतलब गाइस कम रखेंगे, ठीक है, एंड ब्लैक को तो गाइस कम ही रखना है, ठीक है, ब्लैक को हम कम ही रखते हैं, ठीक है, एंड चलते हैं नीचे वाले टूल में लाइट कलर्स वाले में, ठीक है, वाइब्रेशन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है इसको हम माइनस करेंगे थोड़ा, ताकि ब्लू टोन आ जाए हमारी फोटो, क्योंकि ब्लू ब्लू है तो यार ब्लू टोन तो चाहिए ना। तो चलते हैं मिक्स में, एंड रेड कलर के यू को छेड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, सेचुरेशन को करेंगे कम, एंड जाएंगे ऑरेंज कलर में, ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे, ठीक है, सेचुरेशन को हम कम करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जाएंगे हम ये ब्लू वाले कलर में, ठीक है, एंड उसके बाद हम इसको माइनस करते हैं यू को, ठीक है, एंड सेचुरेशन को बढ़ा के देखते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम सेकंड ब्लू में जाएंगे, एंड गाइस इसके बाद हम यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है, एंड करते हैं डन, एंड जाएंगे गाइस इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है, एंड क्लियरिटी को बढ़ाएंगे एंड डस्ट को कम कर देंगे, वाइट ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है, मिड पॉइंट को बढ़ा देंगे, फेदर को 100+ कर देंगे, ठीक है, एंड रोडनेस को भी 100+। तो गाइस ब्राइटनेस हमारी फोटो में कुछ ज़्यादा हो गई है, तो फोटो थोड़ी अच्छी सी लग रही, तो गाइस हम इसकी ब्राइटनेस को कम करेंगे एंड मिड पॉइंट को भी कम करेंगे, ठीक है, एंड गाइस ये जो है ग्रेनाइट को भी अमाउंट को भी कम कर लेंगे, ठीक है, एंड क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो गाइस क्लियरिटी भी थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, एंड गाइस इसके हम चलते हैं नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस को बढ़ाएंगे ताकि गाइस हमारी फोटो HD क्वालिटी में आए, एंड नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे ताकि जो भी हमारी फोटो में नॉइज है उसको हटा देंगे, एंड गाइस कलर नॉइज रिडक्शन को हटाएंगे ताकि गाइस जो भी हमारे में कलर्स की नॉइज होगी वो हट जाएगी, एंड गाइस चलते हैं नीचे वाले टूल में एंड इन दोनों को अलाउ कर देंगे, ठीक है, एंड मैं आप सभी को दिखाता हूं आफ्टर एंड बिफोर। तो गाइस ये हमारी पहले थी और एंड अब ऐसी है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड गाइस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दबा दो, एंड गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।